everything has happened in fact. आप ये सोचिए कि इनका संविधान क्या वहाँ चलेगा, हमारे जो जस्टिस क्या जस्टिस के रूप में यमराज के सामने खड़े होंगे कि नहीं उनसे भी बोल रहे होंगे, ये हमको बता दें। ये बात ऐसी है कि धर्म के सामने कोई भी बोलने के लिए हम लोग भी ये नहीं है कि जो हम कहते हैं सुधर जो हमारे वेद शास्त्र कहते हैं उसको हम बताएंगे। जैसे आज जज संविधान के अनुसार फैसला देता है उसी तरह का आज जज बैठा है उनके वेद शास्त्रों के अनुसार बताएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस अवस्था में निवेदन करना है, इस अवस्था में नहीं करना चाहिए। अगर नारी अगर सड़ा हो उस समय उसको देवता के सामने नहीं जाना चाहिए। धर्म कहता है आपको इसको जानवानी काम होगा कि बोल बता मंदिर को जाते हैं, मंदिर हिंदी तो जाते हैं अपन जाने से धर्म होता है। आपको पता कि धर्म क्या चीज साक्षात के धर्म शुभ मानते हैं, धर्म का साक्षात्कार खुशी होता है, ये मनुष्य को नहीं होता क्योंकि मनुष्य की वीरता एक निर्भरता होती है। आप देखिए जहाँ तक पति पत्नी का संबंध है और आप पति पत्नी एक दूसरे के गुलाम कभी नहीं थे। आप देखिए होता है आप कभी विवाह देखे होंगे दोनों को बराबर बैठाने का है आजू बाजू ऐसा नहीं है कि पत्नी को समान के रूप में नीचे बैठा देता हो समान रूप में परिक्रमा देते हैं आगे पत्नी होता है पत्नी होती है दोनों देते हैं तो दोनों का जो संबंध है उस संबंध के लिए जो पिता उसका निर्भर करता है तो कन्या को गुलाम बना के नहीं दे रहा है ना वो कन्या उसकी अपनी जायदाद माता पिता की जायदाद कन्या नहीं है उसकी भी नहीं थी वो संतान के लिए पति को अपनी बेटी देता है। अगर वो विचार करेंगे दोनों तो फिर संतान कैसे होगी, कौन किसकी संतान है तो पता कैसे लगता है। इसी से रहता है कि पति पत्नी विवाहितर समान नहीं करते तो आपने इस पर भी कितने टिप्पणी कर दी हम कहाँ जाए समाज में प्रभाव ये कि जो तब धंधा करेंगे और वो कुछ भी करेंगे और जैसा कि लोग कह रहे हैं मोहन भागवत ने कहा कि विवाह जो है टोटल कॉन्ट्रैक्ट है तो जबकि हमारे यहाँ विवाह एक संस्कार है कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आप देखिए पति पत्नी दोनों वृद्ध हो गए एक दूसरे के काम के नहीं है तब भी पति जब भोजन करने बैठता है सामने औरत आगे बैठ जाती है ज़्यादा खा जाता है और पत्नी को अगर कोई तकलीफ हो जाए बीमारी आ जाए इलाज बेच को क्या हो सकता है और उस पत्नी दुविधा हो गई उसकी सेवा की योग्यता है नहीं लेकिन ये संस्कार के दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं एक दूसरे की आत्मा बन चुके हैं तो ये जो हमारे यहाँ की जरूरत है इसको क्यों बिगाड़ रहे धर्म के नाम पर लोग राम मंदिर की बात यह है कि राम मंदिर जो है आदर्श का राम राम का मंदिर नहीं है मुझे हमको ब्रह्म राम का मंदिर चाहिए व्यापक ब्रह्म मंदिर
दीजिए इस वक्त पूरे वर्ष को सजा दीजिए, उसको धर्माचार्य बनाएंगे, दूसरे का नहीं बना सकते, धोखा दे रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम रामपथ बनाएंगे मध्य प्रदेश में, रामपथ बनाएंगे मध्य प्रदेश में। कांग्रेस कह रही है, भाजपा कह रही है, हमको उसी को हम तो सनातन धर्म है, अब मैं कुछ भी हूँ, हम सनातन धर्म ही, हमसे उस धर्म की बात पूछी है। अगर कांग्रेस कहती है कि गोमांस का निर्यात हम बंद कर लेते हैं, गंगा की धारा और कैसे नहीं खुश, जो गरीबी है, जो बेरोजगार है, उनको हम बेरोजगार नहीं रहने देंगे, सरकार गलत करें, वो भी करें, लेकिन साथी किसी की पार्टी चलाते या किसी के राजदेश चलाते लोग ही बोलते हैं। और आप लोग ये मान के चलते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं मुकाबले की, कि आपको याद रखना चाहिए कि जगदीप शंकराचार्य हिंदुओं का गुरु है, सर्वोच्च है, उसकी हर बात जो है सम्मान की होती है। ये आप सुन वृंदावन में चातुर्मास कैसा हम लोग, बहुत अच्छी अनुभूति है हमारी, अपने रहने से हम लोगों का विचार है सबसे हमारे अच्छे संबंध में सबसे प्यार मिला हमको और उसी के प्यार को लेकर भी जा रहे हैं और आप लोगों से भी पत्रकारों से भी हमारा बड़ा जय होता है।